कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। दुश्मनों ने पूछो तारा सिंह कौन है। ओ भाई नॉस्टैल्जिया, कंप्लीट नॉस्टैल्जिया। ट्रेलर रिव्यू बाद में करेंगे, पहले तो ट्रेलर को जी लो। पाकिस्तान का दामाद तारा सिंह वापस आ गया है, और क्या ही वापस आया है, फुल धमाके के साथ आया है। सनी पाजी के फैंस तो पगलाए जाने वाले हैं, माय गॉड। सो गाइस, गदर टू का ट्रेलर आ गया है, कैसा है ये ट्रेलर जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूँ आपका अपना इशू समर, और मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। तीन मिनट दो सेकंड के ट्रेलर के मुताबिक गदर 2 की कहानी पहले पार्ट से 24 साल आगे बढ़ चुकी है। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के आसार हैं, तो ही पड़ोसी क्रश इंडिया और अगला जुम्मा दिल्ली में के नारे लगा रहे हैं। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। इसके बाद होती है सनी पाजी की दोबारा एंट्री सिटी मार्ट डायलॉग के साथ। तुम तारा सिंह को पहचानते नहीं हो, दुश्मनों से पूछो तारा सिंह कौन है। तारा सिंह और सकीना का बेटा चरणजीत सिंह यानी हमारा जीते भी अब बड़ा हो गया है। बचपन में तो जिद करके पाकिस्तान पहुंच ही गया था। पापा, मैं भी जाऊंगा। नहीं, तुम यहीं रहोगे। नहीं पापा, मैं भी जाऊंगा। ट्रेलर देखकर लग रहा है जीते ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली है, और वो किसी काम से पाकिस्तान गया है और पाकिस्तान आर्मी की चुंगल में फंस गया है। ऐसे में तारा सिंह इस बार अपने बेटे को बचाने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाता है, और उसके बाद जो हथौड़ा चलता है ठाए 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 पाकिस्तान की ठाए 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 हो जाती है। वैसे तो ट्रेलर में बहुत सारे मस्त सीन हैं, लेकिन दो सीन जो मुझे सबसे तगड़े लगे, मतलब याद ताज़ा कर गए, वो है एक तो ये डायलॉग जिसमें तारा सिंह बोलता है कि अगर पाकिस्तान के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। तो गुरु जबरदस्त, अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। मतलब पुराने वाले जो डायलॉग थे उसी के लेवल का ये डायलॉग इस बार फिल्म में हमें देखने को मिलने वाला है। ऐसे ही तगड़े डायलॉग गदर में भी थे। इसके अलावा ट्रेलर का लास्ट सीन जब तारा के सामने नलका आता है, कोई कैसे भूल सकता है, मतलब क्या ही कहने। ओवरऑल ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर इमोशंस का पूरा तड़का लगाता है, और अगर आप गदर एरा के हैं तो कंफर्म ये आपके दिलों को छूने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि डायरेक्टर अनिल शर्मा ने फिल्म की स्टार कास्ट से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है, इस बात से फैंस ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं। अभी वाली जनरेशन को शायद ये सब डायलॉग बस अच्छे लगे, लेकिन हम गदर एरा वालों के लिए तबाही है। फुल एक्शन पैक ट्रेलर में बाप बेटे का अटूट रिश्ता दिखाने की कोशिश की गई है। वहीं इस बार सनी देओल एक नहीं बल्कि दो दो विलन से सामना करेंगे, और सच बताओ तो दो से कम में काम चलता भी नहीं। पहले पार्ट में मेयर अशरफ अली की भूमिका निभाने वाले लेजेंडरी एक्टर अमरीश पुरी जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो तो अकेले ही काफी रहते, लेकिन अब वो नहीं है तो इस बार मनीष वाधवा और रोहित चौधरी फिल्म में विलेन का रोल निभा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो इम्पैक्ट अमरीश पुरी जी ने डाला था उसकी करीब का काम तो ये दोनों एक्टर्स भी कर जाए, तभी फिल्म में चार चांद लगेंगे। ट्रेलर में अमीषा पटेल भी हैं, तो ठीक ठाक सपोर्टिंग काम कर रही हैं, उनमें वो पहले वाली बात नजर नहीं आ रही, तभी शायद पहले के मुकाबले फिल्म में अमीषा को बहुत ही कम स्पेस मिला है। वहीं एक और नई एंट्री हुई है सिमरत कौर की, जो पहले ही खबरों में अपनी जगह बना चुकी है। सिमरत कौर तारा सिंह की बहू मुस्कान के रोल में नजर आएंगी। फिल्म का म्यूजिक भी आपको बैक टू 20s ले जाता है, ऊर्जा कविताओं से लेकर ओ मैं निकला गड्डी लेके आपको यादों के साथ जोड़े रखता है। अनिल शर्मा का डायरेक्शन भी जबरदस्त लग रहा है, लेकिन हर बार की तरह जहाँ भी VFX यूज होता है वहाँ तो बोलना पड़ता ही है कि अभी बहुत काम करने की जरूरत है। कुछ सीन्स को देखकर ऐसे जरूर लगता है कि स्पेशली चॉपर वाले सीन को कि VFX में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत थी। फैंस के लिए ये ट्रेलर किसी ट्रीट से कम नहीं है। आपको ट्रेलर कैसा लगा और 11 अगस्त की क्या तैयारियां हैं, हमें कमेंट करके जल्दी से बता दो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक जो कहिए सच कहिए, खुश रहिए एंड कीप वॉचिंग द डॉलीवुड रिपोर्टर।